अच्छा, ये मुमताज कादरी का वाकया हुआ, आपने बताया कि आप पीर हसनात के पास रोज जाते थे, पता नहीं हफ्ते में जाते थे। नहीं 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 रोज भी नहीं जाते थे, हफ्ते भी नहीं जाते थे, एक बार हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, सेक्रेटरी भाई ये आए हुए थे। अच्छा, तो इन लोगों ने वहाँ कहा कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, हम इसको लंबा कर देंगे। ये भी थे, एक सूबाई वजीर भी थे, सेक्रेटरी भी थे, आईजी पंजाब भी थे, सारे थे, फिर असल साहब भी थे हमारे, वो उधर सरकारी उलमा भी थे। अच्छा, तो कोई मसला नहीं है। वो जो आपका मुशर्रफ दौर में यहाँ था, वो आईजी राणा मकबूल, वो हंस के ना वो शेर पढ़ रहा था कि जी आप हर बंदर बा खुदा दीवाना शब्बा मोहम्मद होशियार, ये शेर हमारे सामने पढ़ रहा है। जी तो इतना हसास मसला है हमारे अंदर, भी इश्क़ रसूल है। मैंने नहीं बोला फिर, मुझे उनको कोशिश की, मैंने कहा मैं बोल पड़ा तो सब की बेचारों की परेशानी हो जाएगी। मैं उनको ऐसे देखता था, वो पाँव हाथ आंखें नीचे कर लेते थे सारे, और मुझे पता था कि हमारे साथ दो नंबर ही कर रहे हैं। अच्छा, वो पीर असनार साहब का ये कहना था कि हम इसको लटका देंगे। नहीं, हाँ उनका भी कहना था, साथ जितने थे वो भी, और उनका ये भी कहना था कि ये वजारतें बाद में हैं, पहले हुजूर के गुलाम हैं, ये लहसुन के गांठ पर। आपको कैसे अंदाजा हुआ कि दो नंबर ही कर रहे हैं? फिरासत से बच्चों अल्लाह के नूर से।